नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। सो आज हम लोग आपको कुछ ऐसा नया दिखाने जा रहे हैं, कुछ नया बताने जा रहे हैं, जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ठीक है, अगर सुना है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, एंड प्लीज़ सपोर्ट। ढूंढा था अब तक बस दो पल का चैन, तुम्हारे आने से है बेहद सुकून, चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा बस है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा जो व्लॉग है, या फिर इसे एक स्टोरी कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, ये है एक तरफा मोहब्बत के बारे में, वन साइडेड लव। और हमारे इस कहानी के तीन किरदार हैं, ठीक है। और आने वाले 20-50 सालों के अंदर अगर किसी का नाम आएगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी का नाम आएगा वन साइडेड लव में जिसने महारत हासिल की है, तो वो एक ही नाम है और वो है इंद्रजीत घिंघरू, और जो कि हमारे आज के इस कहानी के हीरो होने वाले हैं। इमरोज़ का नाम शायद ही आप में से किसी ने सुना होगा, और ये जो है कि आज के हमारे कहानी के हीरो होने वाले हैं। बेसिकली देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे कहानी के बेसिकली तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, तीन किरदार हैं। दो किरदार जो हैं कि बहुत ही फेमस हैं। पहला है साहिब लुधियानवी, जो कि हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े लिरिसिस्ट और शायर हैं। दूसरा है इमरोज, जो कि हमारी कहानी के हीरो हैं। और तीसरा अमृता प्रीतम। तो दोस्तों, जो अमृता प्रीतम थी वो बहुत ही फेमस शायरा और बहुत ही फेमस राइटर थी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है जब अमृता 16 साल की थी, और 16 साल की उम्र में उनकी शादी प्रीतम नाम के एक इंसान से हो गई थी, जिससे कि उनका नाम अमृता प्रीतम पड़ा। तो प्रीतम का मानना ये था कि वो अमृता से बहुत मोहब्बत करते थे, और उनकी शादी के कुछ सालों बाद ही उनके दो बच्चे हुए। बट उनकी शादी जो है ज़्यादा लंबे समय तक चल ना सकी, क्योंकि प्रीतम को अमृता के कहानियों में, पोइट्री में, शायरियों में, शायरीज़ में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। तो आखिरकार उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब अलग हो जाना ही बेहतर है। तो इसी दरमियान जो है कि अमृता एक मुशायरे में जो है कि शाहिर से मिली। उस समय पे शाहिर उतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे, और वो कुछ गाने लिखा करते थे इंडस्ट्री में, कुछ शायरियाँ लिखा करते थे, कुछ डायलॉग्स लिखा करते थे। तो जब अमृता इस मुशायरे में गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि शाहिर अपनी कविता पढ़ रहे हैं स्टेज पे, और शायर की भी जो नज़र है उनसे मिली, और दोनों को एक कनेक्शन सा महसूस हुआ एक दूसरे से। फिर जब अमृता उस मुशायरे में अपनी कविता जो है कि सुनाने के लिए स्टेज पे गई और उन्होंने अपनी कविता पढ़ी, तो शाहिर भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो फिर उनकी मुलाकात जो है ऐसे ही मुशायरों में होती रहती थी। हालांकि देखिए, अमृता जो है कि उस टाइम मैरिड थी, उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, बट फिर भी उन्हें एक कनेक्शन सा महसूस हुआ। तो इनकी मुलाकातें होती रहीं, और इनकी मुलाकातों का जो असर है इनके शायरों में भी देखने को मिला, और धीरे धीरे ये जो है कि एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। और ये बात है पार्टीशन के पहले की, 1940s की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। पार्टीशन के बाद अमृता जो है कि दिल्ली आ गई, और साहिर लुधियानवी वो लाहौर में रह गए। इनके बीच दूरियां तो हो गई थी, लेकिन ये एक दूसरे के करीब फिर भी थे, और कैसे थे वो है खतों के ज़रिए। वो एक दूसरे को खत लिखा करते थे, और इसी तरीके से वो एक दूसरे के करीब थे। इसी दरमियान जो है कि अमृता ने प्रीतम से जो है डिवोर्स लेने का फैसला किया, और उनका डिवोर्स हो गया। तब फिर अमृता जो है दिल्ली में फिर आकाशवाणी में काम करती है। साहिर मुंबई आती है, और मुंबई में आते उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया,
और धीरे धीरे शायर जो है बहुत मशहूर हो गए। और अमृता अपना जो अपने प्यार का इजहार जो है कि वो सबके सामने करना चाहती थी, लेकिन साहिर जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इस चीज़ का इजहार नहीं कर पा रहे थे, अपने इश्क को नाम नहीं दे पा रहे थे। तो इसका असर जो है कि अमृता और साहिर दोनों की शायरियों में दिखना शुरू हो गया। और एक दिन फिर साहिर ने अमृता को ख़त लिखा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक हंसी मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए, चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए। किसी और फिक्र से। तो क्या आपकी शायरी किसके बारे में है, क्या है शायरी? शायरी मेरी वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको किसी भी क्रश है और जिस पे आपको क्रश है उसको किसी और फिक्र से। लव ट्रायंगल चल रहा है। हाँ, तो जिसे आप पसंद करते हो वो आपको नहीं करता, वो किसी और को करता है। तो उसी पे लिखा है कि जैसे जो किसी और को पसंद कर रहा है तो उसने लिखा है उसके लिए। और आपको पता है रोज और अमृता की कहानी? मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ी है? ग्लैड कि आप जानते हो उनको, वही सोच कर लिया है यहाँ। वो भी ऐसी है क्योंकि उसमें तो उनका भी लव ट्रायंगल था। हाँ, उनका ऐसा था कि वो रोज मतलब वो अमृता जो थी पहले तो शायद से मतलब शादी उनका डाइवोर्स हो गया था। नहीं बल्कि ऐसा था कि उन्होंने पहले प्रीतम से शादी की थी, उनके पति थे, फिर प्रीतम से उनका डाइवोर्स हुआ। और साहिर का और उनका जो रिश्ता था वो एक दूसरे से वापस करते थे, पर वो कभी ऑफिशियल नहीं हुआ, एक दूसरे को उन दोनों ने ऑफिशियल नहीं किया। और आपके जो इंद्रजीत कपूर जी हैं वो अमृता जी से प्यार करते थे, तो ये एक लव ट्रायंगल था। अच्छा। और अमृता जी साहिर से। मैं तो सिर्फ शाहिर, अमृता और इमरोज तीन जानता था, ये प्रीतम कौन है ये समझ नहीं। अमृता जी ने इमरोज जी को बहुत साफ साफ बता दी थी, मैंने खुद पहली बार मिले थे तभी बता दी थी वो सिर्फ शाहिर से ही प्यार करती है। तो ये बहुत पार्ट है स्टोरी का और आप रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आप शायरियाँ लिखते हैं, तो ये आपके लाइफ से कहीं ना कहीं मैच करती होगी। ऐसा तो नहीं करती, लेकिन मुझे लिखने का शौक है, लिखता हूँ मतलब, तो मुझे जो अच्छा लगता है जैसा भी अच्छा लगता है। मैं अलग अलग कैरेक्टर लिखता हूँ जो मतलब मुझे लगता है कि मतलब कैसा लगता है, क्योंकि लिखने में सारी चीज़ रिलेट नहीं करती,
या मैं कोई डिफरेंट कैरेक्टर लिखूं, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि इनके लाइफ में कुछ हुआ हो गया। नहीं नहीं मतलब ऐसा होता है, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है। नहीं मतलब ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कुछ पढ़ते हैं उससे इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे मैंने गुनाहों का देवता पढ़ी थी, मुझे वो बहुत प्यारी है। तो उसमें क्या है, उसमें ऐसा लगता है कि जो धर्मवीर भारती इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ, क्योंकि इतना अच्छा लिखा है उसको, इतना मतलब लाइट लिखा है कि मतलब आप कभी ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि मतलब उसमें कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा लगता है कहानी चल रही है और आपके सामने सीन क्रिएट होते हैं, तो वो एक आर्टिस्ट की खूबी होती है। आपने एनएसडी नहीं ज्वाइन किया, आपको करनी चाहिए। एनएसडी मैंने दो बार अप्लाई किया है, अभी अप्लाई किया हुआ नहीं है, तीसरी बार हो जाएगा। एनएमए भी मैंने किया था लखनऊ में जो। अच्छा, आप लखनऊ से हैं? मैं वैसे यूपी से हूँ, लखनऊ के पास एक बांदा चित्रपुर। हम लखनऊ से ही, बनारस से। मैं बांदा से हूँ, चित्रपुर से। मैंने लखनऊ में किया था, तो लखनऊ में मेरा फाइनल राउंड से बाहर हो गया, तो चांसेस एनएससी में कहीं हो जाएगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ एनएससी करने का, मेरा सपना भी है कि वहाँ मेरा हो जाएगा। अरे आपका, आपने आपका नाम नहीं बताया। मेरा नाम विजय। हमारे हीरो की, और हीरो है हमारे इमरोज, इंद्रजीत इमरोज। ठीक है, तो अमृता की मुलाकात हुई थी इमरोज से की दुकान पर, और आइए चलते हैं अंदर। अंदर चल के आपको बताते हैं पूरी कहानी। सिलसिला शुरू होता है एक किताब से, जो कि है आखिरी खत। ये बात उन दिनों की है जब अमृता अपनी किताब लिख रही थी आखिरी खत, और उस किताब के कवर के लिए वो किसी को ढूंढ रही थी जो उस किताब का कवर डिज़ाइन कर सके। किसी ने बताया कि एक इंद्रजीत नाम का आदमी है जो कि फिल्मों के पोस्टर्स बनाता है, आप उनसे कनेक्ट करें। तो इसी तरीके से उनकी मुलाकात होती है और वो मिलती हैं इंद्रजीत से, और ये इंद्रजीत ही इमरोज है। तो ठीक है, सो इसी तरीके से उनका मिलना जुलना शुरू होता है, और आगे किताबों के सिलसिले में उनसे मुलाकात होती है, और देखते ही देखते इमरोज जो है उनके अमृता के प्यार में गिर जाते हैं। हालांकि इमरोज ये जानते थे कि अमृता के दिल के सारे तार साहिब से जुड़े हुए हैं, और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें फिर भी अमृता से प्यार हुआ, क्योंकि वो उनकी शायरी के बहुत ही ज़्यादा कायल थे, उन्हें उनकी शायरियाँ बड़ी पसंद थी। और मुलाकात होते होते जो है उन्हें अमृता से कई नाम पढ़ा। फिर आगे की जो स्टोरी है वो आपको बाहर चलते वाला है, आइए चलते। अमृता और इमरोज दोनों ही दिल्ली के पटेल नगर में रहते थे, एक ईस्ट पटेल नगर तो दूसरा वेस्ट पटेल नगर। और दिल्ली में अमृता जो है ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में काम किया करते हैं, और वहाँ जाने के लिए वो डेली जो है पटेल नगर के बस स्टैंड से डेली बस लिया करती थी, और यहाँ पर इमरोज डेली उन्हें बस स्टॉप पर देखने आया करते। जब उन्हें वो देखते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बस का वेट कर रही है, फिर वो बस लेके जाती थी। तो उन्होंने 6 महीने 5x4 एक सेकेंड हैंड स्कूटर लिया, और उससे वो उन्हें ऑल इंडिया रेडियो छोड़ने जाया गया। इमरोज बताते हैं कि जब अमृता उनके पीछे स्कूटर में बैठी होती थी, वो अपनी उंगलियों से उनकी पीठ पर कुछ लिखती थी,
जानते हो क्या लिखती थी? अमृता अपनी उंगलियों से इम्ब्रोस की पीठ पर साहिर लिखती थी। उसके बाद इम्ब्रोस को अमृता की किसी बेवाकी से अमृता और इम्ब्रोस जब वो लगातार मिलने लगे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो हम साथ में रहते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद कोई कपल है जो लिव इन रिलेशनशिप में आया रहा वो है अमृता और इम्ब्रोस। उन्होंने दिल्ली के हौज खास विलेज में अपना एक मकान लिया और वहाँ रहना था। इम्ब्रोस दिन में काम करते थे, अमृता रात में अपनी शायरियाँ लिखा करती थी। तो जब रात में इम्ब्रोस की नींद खुलती थी तो वो देखते थे कि अमृता अपनी शायरी लिख रही थी। वो चुपचाप से जाके चाय बना के अमृता के टेबल पे रख दिया और दोनों को ही एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी, ना ही इम्ब्रोस ने एक्नॉलेजमेंट मांगा और ना ही अमृता ने एक्नॉलेजमेंट दिया। ये सिलसिला जो है सालों साल 40 सालों तक चला और बीच में अमृता की हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी टूट गई। तो उस वक्त भी इम्ब्रोस जो है उनके साथ ही थे और रिसेंटली इम्ब्रोस की डेथ हुई 2023 दिसंबर 22 या सितंबर 22 समय और अमृता की डेथ हुई थी 2005। सो ये स्टोरी थी और एक लास्ट पोइट्री अमृता ने लिखी थी इम्ब्रोस के लिए, वो थी मैं तेनू फिर मिला, मैं तेनू फिर मिला कब कहाँ पता नहीं, तेरी मत्थे की तकीर बन के तेनू तकदी रवा मैं तेन मैं तेनू फिर मिला किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरी तकियल दी चिनाग बन के तेरे कनवा ते उतरांगी या खौरे तेरी कनवा दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी मैं तेनू फिर मिलांगी या खौरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगा विच कुलांगी जा रंगा दियां बावां विच बैठ के तेरे कनवां नू फलांगी पता नहीं किस तरह किथे पर तेनू जरूर मिलांगी जा खौरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनियां दा पानी उड़दा मैं पानी दियां बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी ते एक ठंडक जिही बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी मैं होर कुछ नहीं जानती पर इन्ना जानती हाँ कि वक्त जो भी करेगा ए जन्म मेरे नाल तुरेगा ए जिसम मुकदा है ता सब कुछ मुक जाता है पर छेत्यां दियां धागियां कायनाती काना दे हुंदे मैं उन्हां कना नू चुनांगी धागियां नू पलांगी ते तेनू फिर मिलांगी तेनू फिर मिलांगी। सो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। अबे किधर है बे कैडेट, कहां है कहां है? 132। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे यार बोलना क्या था? 157 एक्शन। अरे कब तक ले जाऊंगी